ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਘਮਾਏ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ MN ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शिराज चट्ठा आपका आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज सांगला हिल शहर पार्क का विज़िट है, तो लोगों से बातें करेंगे, मेरे साथ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, वीडियो पूरी। जी ये अब पाकिस्तान बनने से पहले का इंजन है जो इस पार्क की अब जीनत बना हुआ है। लोग सैरगाह करने आते हैं सैरें और यहाँ पे इस इंजन से को देख के बड़े लुत्फानंदोज़ होते हैं और इसके साथ अपनी पिक्चरें वगैरह भी बनाते हैं। हमारी तरफ आए भाईजान, जरा आपसे बातें करनी है, दो तीन चार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अभी आप पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे? जी जी। अच्छा, बहुत मजा आ रहा था, एंजॉय करके आए। अच्छा, तो सीढ़ियों की गिनती का पता है, कितनी सीढ़ी है एंड तक? अंदाजे से जी जी 230। ओ वेरी गुड, आपको इसलिए पता होगा आप ज्यादा थक चुके हैं, एक एक सीढ़ी की गिनती करते हुए ये ऊपर गए होंगे लाजमी। जी जी ये ऐसे ही है। तो आप भाईजान ठीक है? थकावट महसूस हुई? नहीं 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 हुई, इंजॉय करीदा है, थकावट है ही कोई। उन्हें पंजाबी दी था? पंजाबी जे फिलहाल है, बंदा उर्दू जे थोड़ा आ जंदा। अच्छा, कणी से हुंदी? ओए होए होए, मुंह देखो जी, कणी वाली से हुंदी, क्या बात है जी, क्या बात। ओ थक पिया जी जूते, ते तू पहाड़ी तो खलो गया नाल, झील च छाल मार जानी सी। मैं मरना नहीं ना, ये जदों मरांगे तो फिर मरांगे। अच्छा, कदों मरण दा प्रोग्राम? तकरीबन 100 साल जीवांगे। अच्छा जी, मैं इन्हां दे नाल एक सवाल करना, मेरे सवाल दा जवाब देण। लो जी, सवाल बड़ा आसान है। सवाल ए वे कि ओ केड़ी चीज़ है जिहनूं तुसीं हथ दे विच फड़ लैंदे हो लेकिन हथ दे विच आउंदी नहीं? केड़ी हो सकदी? हवा। हवा ही होणी, हवा जी हो गई यही। कोई अच्छा शेर आउंदा होवे सुना दिओ। शेर ते फिर दूसरे ने लेकिन सुनाई दे ने। पहाड़ी दी तरफ इसी वजह तो आया। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ओ अस्तगफिरुल्लाह, 2 साल सब पुराना शेर जेड़ा कच्ची बच्चे पढ़ते हैं, वो कोई वाल शेर सुना दे। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। क्या बात है जी, आजकल तो मोबाइल के बारे में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शेर पड़े हैं जी। कुछ बातें की हैं लोगों के साथ, कुछ सवालात की हैं दो तीन, और जैसे जैसे मिलते हैं इनसे सवाल करते हैं। तो अभी हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं जी। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। आइए जी पहाड़ी पे चलते हैं, तो वहाँ पे चल के देखते हैं ये कितनी सीढ़ियाँ। मैं काउंटिंग करने लगा हूँ, नीचे से कर चुका हूँ, यहाँ तक सीढ़ियाँ जो हैं ये 20 आ चुकी हैं। अब आगे की काउंटिंग करते हैं। थक चुका हूँ, यहाँ पे फिर बैठते हैं। सांस लेने के लिए ये जगह बनाई गई है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, 2-3 मिनट के लिए सांस ले लेते हैं, इसके बाद फिर ऊपर चलते हैं टॉप पे, सारा विजिट करवाता हूँ आपको, मेरे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ तक पहुँच गए, हाफ अब रह गई, आए मेरे साथ। फिर आप पहुंच गए, अब थोड़ा सा सफर रह गया, इंशाल्लाह आए चलते हैं। पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा टॉप रह गया, वो देखिए उस टॉप पे जाना है, थोड़ा सा रह गया है, अब बस तकरीबन
3% हो गई है, 1% रह गई है पहाड़ी की चढ़ाई। आए आप पहाड़ी के नीचे से मैं आपको इंजन दिखा रहा हूँ, वो देखें आपको इंजन नजर नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा एक छोटे छोटे लोग नजर आए। बादामदला पहाड़ी की बहुत ऊंचाई है सांगला हिल शहर में, देखेंगे आपको मजा आएगा, आप शहर पे आए। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूँ, ये नीचे एक स्टे बना हुआ है, ये देखिए आप, ये नीचे एक सिटिंग एरिया। अब लास्ट पॉइंट वो ऊपर रह गया, बस अब लास्ट पॉइंट पे चढ़ने वाले हैं, सांस बहुत फूल चुका है, 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए अब फिर चलते हैं ऊपर। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अब टॉप पे पहुंच चुके हैं, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सांगले का विजिट करें, बढ़िया खूबसूरत शहर है। तो टॉप पे हवा इतनी ठंडी और कूल कूल लग रही है, नीचे गर्मी थी, जब पहाड़ी के ऊपर आए ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, यहाँ पे ऊपर हवा बहुत ठंडी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी सारा मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको सारा विजिट करवाते हैं। सांगला हिल शहर, ज़िला ननकाना का तहसील है सांगला हिल, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ी के टॉप से बड़ी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। और मेन बात ये है कि जो एक दरमियान में से एक नहर निकल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा जूम करके देखिएगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह सांगला की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही है, ये देखें आप, मैं आपको बिल्कुल वाजिया करके दिखा रहा हूँ, देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू, सांगला हिल की खूबसूरती को 4 चांद इस नहर ने लगा दिए हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है, व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है। तो मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के हिस्सों से जो लोग दूर दूर तक सैर व तफरी के लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलगित, सवात, मर्दान, कागान की तरफ जाते हैं, गर्मी तो है लेकिन बहुत खूबसूरत सैरगाह सांगला हिल पार्क है, आप यहाँ पर आएँ, विज़िट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, इंजॉय करें। और देखें पहाड़ी से झील कितनी खूबसूरत लग रही है, ये जो झील बनाई गई है इसमें कश्तियाँ भी हैं, लोग कश्तियों के ऊपर यहाँ पे सैर करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो इन लड़कों से कुछ सुनते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं हमें, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या सुनाना पसंद करेंगे। भजन क्या कुछ सुनाएंगे? लाल टप्पे ही चले सुनाए जी, पकड़े माइक सुनाए जी। कोई उड़दे बाज जंदे, कोई उड़ दे बाज जांदे, हुसन ते रब देंदा लोकी मगर क्यों लग जांदे। एदा मुंह वेखो जे कुत्ती घुमाए कांदी जमारी हुंदी। ए मैनू लै के बाबा जी अपने दादे दी कबर ते खलोता, मैं क्या यार की होया, आंदा दादा मेरा नाल दी कबर वाले नाल लड़ पिया, पंचायत अजे खड़ी है। एदा मुंह वेखो जिवें थके कब्रस्तान दा मुर्दा हुंदा। ओ मस्जिद विच ना मोटर लाउंदा फड़िया जांदा, मौलवी इहनू वेख के आंदा पुत्तर तैनू मैं वेख लिया, मोल ए मौलवी नू की आंदा, आंदा मौलवी साहब वेख तां लिया हुण मोढे ते रखा दो। इहदे अड़गे नू एवें ही मल्ले चंडा पै जांदी, एवें ही कोई पुछदा की होया, बस एवें ही पै गईआं। जी काफ़ी टाइम हो गया ऊपर बैठे हुए, अब नीचे चलते हैं, हमारा वक्त ख़त्म हो चलता है, अब पार्क के नीचे चलते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, आए चले जी। नीचे उतरना तो बहुत मुश्किल लग रहा है अब, तो उतरना भी है, तो चले ठीक है, अल्लाह का नाम लेके नीचे की तरफ अब रवाना होते हैं। तो ये वही लड़के थे जो नीचे मेरे साथ थे, ये अभी भी मेरे साथ ऊपर ही आए हुए थे, अब नीचे ये भी जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी अब बैठे हुए हैं लड़के, फैमिली भी बैठी है, फैमिलियों की तरफ तो हम रुझान नहीं हमारा था। तो ये देखें ऊपर से सांगला शहर किस तरह और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, ये पहाड़ी सांगले में एक मुनफरद अंदाज के साथ खड़ी हुई है। तो यहाँ लोग आते हैं सैर करते हैं, इंजॉय करते हैं, इसी तरह मैं भी आज इसी तरह आया हूँ, वो देखें इंजन आपको नज़र आ रहा होगा पहाड़ी के ऊपर से जूम करके मैं आपको। जी आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा।